वेलकम टू फोंदेपुरी, आई एम शिखा और आज मैं बना रही हूँ बिहार की एक बहुत ही स्पेशल डिश, बैंगन का चोखा। ये बैंगन के भरते से काफ़ी अलग बनता है और इसे लिट्टी के साथ सर्व किया जाता है। आप इसे दाल, चावल, रोटी, चपाती के साथ भी खा सकते हो, बहुत टेस्टी लगता है। ये रेसिपी मैंने अपनी मदर इन लॉ से सीखी है, तो आज मैं बना रही हूँ। तो चलो फटाफट से देखते हैं रेसिपी। तो इसमें ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स नहीं पड़ते, पर जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो सब बहुत ज़रूरी हैं। हरी मिर्ची बहुत ज़रूरी है, सरसों का तेल बहुत ज़रूरी है। मैंने एक्चुअली फिर से और थोड़ा तेल ऐड किया था क्योंकि मुझे थोड़ा सा कम लगा, तो मैंने लगभग 2 से 2.5 टेबल स्पून मैंने ऐड किया था। और नमक आप अपने अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हो। और बैंगन को रोस्ट करने के बाद वॉश मत कीजिएगा या फिर पानी में मत रखिएगा, क्योंकि फिर उसका वो स्वाद जो रोस्ट होने के बाद आता है वो चला जाएगा उसका पूरा। तो बस उसको प्लेट पे निकाल लीजिए रोस्ट होने के बाद और उसको थोड़ी देर ठंडा होने दीजिए, एंड उसके बाद फिर उसका छिलका आराम से निकल जाएगा। तो बस ये 2-3 चीज़ें हैं एंड आपका चोखा बहुत ही परफेक्ट बनेगा। कैसी लगी आपको ये रेसिपी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और ट्राई कर रहे हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे आप टैग कर सकते हो fondi_foodie पे with EE। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो फटाफट से लाइक कर दो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, ईट, लिव एंड लव, टेक केयर, बाय बाय।